राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर मंगलवार रात स्वर्णकार समाज के युवक की हत्या के बाद विभिन्न हिंदू संगठनों ने बाजार बंद का आह्वान किया है। अब तक प्रमुख बाजार नहीं खुले हैं और माहौल गर्माया हुआ है। शहर के संवेदनशील क्षेत्रों और बाजारों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन द्वारा पहले सुबह 5 बजे से आगामी 24 घंटे इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी करने की चर्चा की थी, लेकिन जिला कलेक्टर ने साफ किया है कि फिलहाल रोक नहीं लगा रहे हैं और हालात देख उसके अनुरूप निर्णय लेंगे। इधर पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के अनुसार रात्रि में हत्या के मामले में पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को डिटेन किया जा चुका है। जल्द ही प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। पुलिस द्वारा गश्त तथा निगरानी जारी है। गिरफ्तारी नहीं होगी, हम लोग कोई भी चैन से बैठने वाले नहीं, क्योंकि एक नहीं अनेक घटना है, चाहे करौली हो, जोधपुर हो, भिलवाड़ा हो और उसके बाद चित्तौड़ की इस प्रकार की घटना, इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार का अपराधियों में खौफ नहीं है और इसीलिए अपराधी खुलेआम इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं और चित्तौड़ शहर में इस प्रकार की घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने स्पष्ट कहा है पुलिस अधीक्षक महोदय को कि तुरंत इनकी गिरफ्तारी हो, यही हमारी मांग है और गिरफ्तारी के बिना घटना है इसमें मैं मान सकता हूँ कि सरकार की आए दिन घटनाएँ हो रही है, सरकार अपनी तरफ से फेल है और प्रशासन को इसमें सतर्कता बरते हुए इनको लोगों को जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे तो चित्तौड़गढ़ के बाजार भी आने वाले दिनों बंद रहेंगे। उसमें हम सब लोग भी, सांसद साहब हो, मैं हूँ या हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सब लोग इनके कंधे से कंधे मिलाकर हम सब लोग हमारे रात 2 दिन रुकना पड़े, 4 दिन रुकना पड़े या 10 दिन रुकना पड़े, जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम लोगों से बच्चों के हम लोग खुद ही साथ हैं। कल दिनांक 31 मई को कोतवाली क्षेत्र में श्री रतन सोनी की हत्या का जो हुई उसमें अब तक पुलिस लगातार टीमें बनाकर अलग जगह दबिश दे रही है। अब तक 3 लोगों को राउंडअप किया जा चुका है इस मामले में और अलग अलग जगह पर फिक्स पिकेट और मोबाइल पार्टी के माध्यम से पूरी जगह पुलिस गश्त और निगरानी जारी है। पूरे क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी और साथ ही पूरी तरह से ये कहूँगी कि किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ या कोई ऐसी बात नहीं फैलाएं जिससे कि किसी प्रकार की शांति व्यवस्था को खतरा हो। पुलिस लगातार अपना कार्य कर रही है और आने वाले समय में मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।